आज हम बात करेंगे सड़क पर सामान्य यातायात नियम के उल्लंघन की। जानबूझकर या अनजाने में हमसे यातायात नियमों के उल्लंघन तो होते ही हैं। स्मार्ट सिटी रायपुर के वाहन चालक नियम तोड़ने वाली इस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इन नियमों के उल्लंघन की एक छोटी सी झलक। राजधानी के सड़कों पर 5 सेकंड के लिए यातायात नियम तोड़ने का नजारा आम बात है। जल्दबाजी में रायपुर के वाहन चालक नियम तोड़ने वाली भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यहां सिग्नल जंप करना हो, रॉन्ग साइड पर गाड़ी दौड़ाना, 3 सवारी बाइक चलाना और तो और सिग्नल पर स्टॉप लाइन क्रॉस कर जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकना, यह करने वाले हम ही हैं। रायपुर के सभी चौक चौराहों पर खतरे की लाल बत्ती को खतरों के चालक 5 सेकंड पहले क्यों तोड़ते हैं, इसका रहस्य किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ में यातायात नियमों को तोड़कर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सरकार की आपातकालीन सेवा तो जरूर मिल जाएगी। डायल 112 की मदद से जल्द अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर से स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में संपूर्ण इलाज करवा सकते हैं। हरा होने के 5 सेकंड पहले गाड़ी बढ़ाना, पीला होने पर गाड़ी की स्पीड कम न करना और लाल होने पर तेज गति से भागना हम अच्छे से जानते हैं। सिग्नल का लाल, पीला और हरा रंग क्या संदेश देता है, स्कूली बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं। एक हाथ बाइक के हैंडल पर और दूसरा हाथ मोबाइल के साथ कान पर, जिंदगी से संपूर्ण डील इस मोबाइल पर कर ली जाती है। 5 सेकंड में गाड़ी सड़क किनारे लगाकर बात करना हमें ज्यादा भारी लगता है, फिर इसका परिणाम चालक को भारी पड़ता है। मोबाइल का सिग्नल मिले ना मिले, पर जिंदगी का सिग्नल कहीं क्रॉस ना हो जाए। भले ही स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर 200 रुपये जुर्माना हो, पर हमें तो रुपये दिखते हैं, नियम नहीं। कोई माने या ना माने, इन नियमों को जाने अनजाने में तोड़ा तो जाता है। यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है हम लोग के द्वारा। हेलमेट पहन के वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगा के वाहन चलाएं, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन न चलाएं। सभी चौक चौराहों में हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो लगातार नियमों का उल्लंघन करते हैं उसको हम लोग समझाइश के साथ साथ उसका चालान भी हम लोग काट रहे हैं। और इसके अलावा हमारा अलग से जहाँ चौक में पॉइंट लगता है और स्टॉप लाइन के पीछे जो वाहन खड़े नहीं करते हैं और सिग्नल को जंप करते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड बचा हुआ रहता है उसमें जंप करते हैं, तो हम लोग उनका ई चालान भी कैमरे के माध्यम से जनरेट करते हैं और संबंधित के पते पे भेज रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहे और हजारों वाहनों की आवाजाही पर गिनती के यातायात जवान, अगर यातायात पुलिस रोक ले तो विभिन्न विकल्प सामने आ जाते हैं। आखिर वह कौन सी मजबूरी है जो सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार भी हम नहीं करते। नियम कैसे भी हों, हमारी सुरक्षा और सुविधा के लिए है और इसके पालन की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं हर्षित शर्मा, glibs.in। For more information, log on to www.glibs.in.